नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। आज गौतम गंभीर ने बीजेपी पार्टी से रिजाइन कर दिए हैं। गौतम गंभीर जी की क्रिकेटर आज बीजेपी में सांसद के रूप में जी उपस्थित थे, और क्या स्थिति आन पड़ी जिसकी वजह से पार्टी को छोड़ना पड़ा। दोस्तों, मैटर थोड़ा सा समझने वाला है और मैटर जी की बड़ी उलझन वाली भी है। अगर जे कि दूसरे किसी राजनीतिक दल से कोई व्यक्ति दूसरे दल में जाता है या बीजेपी में जाता है, तो यह कहते हैं वो लोग कि फलाने व्यक्ति ने फलाने पार्टी को छोड़ दिया और इसमें सम्मिलित हो गए। लेकिन और वो प्रत्याशी भी जे कि बोलता है, वो व्यक्ति भी बोलता है कि हमने जे कि पार्टी को छोड़ा, इसके बाद से ये कमियां है, ये खूबियां है, ये फलाना है, ढिमका है, तमाम तरीके की अपने राजनीति चमकाने के लिए भूमिका को बनाई जाती है। लेकिन आज कोई ऐसा व्यक्ति यह नहीं कह रहा है कि गौतम गंभीर ने बीजेपी को मारी लात, ऐसा मैटर किसी ने जिक्र नहीं कर रहा। गौतम गंभीर ने पार्टी को छोड़ा, गौतम गंभीर जी की बीजेपी से रिजाइन दिए, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। गौतम गंभीर जी की खुद करें कि हम रिक्वेस्ट और अनुरोध किए थे कि मुझे देखिए जनता सेवा से मुक्त किया जाए, और मैंने रिजाइन दिया। पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखिए सुर छाया हुआ है कि गौतम गंभीर ने देखिए बीजेपी को छोड़ दिया, बीजेपी से देखिए रिजाइन दे दी, बीजेपी से वापस चले गए वह क्रिकेट की दुनिया में। लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा रहस्य को छोड़ करके गए, यह समझने वाला देखिए एक विषय है। गौतम गंभीर आज बीजेपी से जी की रिजाइन ही नहीं दिए, बल्कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा जी की झटका भी दिए, और बहुत बड़ा कह लीजिए कि क्राइटेरिया जी के नॉन फॉलो का उद्देश्य सामना जी के कर दिए कि अगर बीजेपी सभी क्राइटेरिया को फॉलो करती तो बीजेपी से एक भी प्रत्याशी जी की छोड़कर नहीं जाता। लेकिन आज बीजेपी से खुद इतने घिन हो गए हैं लोग, इतने जे कि परेशान हो गए हैं लोग कि खुद से खुद जे कि पार्टी को छोड़ करके जाने का अनाउंसमेंट जे कि करते हैं। ऐसे में जे कि बताई जा रही है कि दिल्ली पूर्वी से गौतम गंभीर का टिकट जे कि कट चुका था, वहां से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, तो कोई अपना बेइज्जती क्यों कराए? उससे पहले पार्टी को इस्तीफा सौंप देना ही जे कि उचित है, और सौंप करके छोड़ करके चले गए, यह एक बहुत बड़ी जे की संकेत, एक बहुत बड़ी जे की बात जे की हो गई। दोस्तों, इधर जे की ममता बनर्जी के ऊपर जे की नरेंद्र मोदी बहुत हमलावर हैं, जे की बंगाल में देखे गए, अभी इस टाइम जे की 2:30-3 बजे के आसपास में जे की वह बिहार में जे की कई जिला में रैली करेंगे। लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा जे की तोहफा है जो गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से उनको जे कि पार्टी से जे कि बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, यह गारंटी है कि बाहर कर दिया गया। अभी राज खुलना जे कि बहुत बाकी है, पार्टी से स्वयं जे कि बाहर नहीं गए हैं, वह अपनी लोक लज्जा बचाने के लिए उन्होंने, गौतम गंभीर ने यह बात बोला कि मैं स्वयं जे कि पार्टी से वापस जा रहा हूं। लेकिन वह जे कि स्वयं जे कि वापस नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, जिस भी तरीका से जे कि बातें निकल करके सामने आ रही है कि बीजेपी के बहुत ऐसे जे कि बढ़िया बढ़िया जे कि नेता अभी पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अभी टाइम का इंतजार कर रहे थे। अब से जे कि आज 2 मार्च से यह प्रक्रिया शुरू भी हो गई, और लगातार जे कि अब जे कि पार्टी छोड़ने का कार्यक्रम जे कि बना रहेगा। दोस्तों, जे कि आप जहां भी कहीं से जे कि देख रहे हैं हमारे खबर को जे कि लाइक करें, और जे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस प्रकार से जे कि बीजेपी अपने आप को 400 की पार जे कि कहने वाली पार्टी